दीवार देख सकते हैं आप, और आप इस तरफ देखिए, ये जो पुराने मंदिर है उसके कुछ अवशेष यहाँ पड़े हुए हैं। देखिए आपको देखिए अवशेष है। कितना पुराना मंदिर है सर? ये ताजमहल से ही पहले का। महादेव का मंदिर कितना पुराना है? ये महादेव का मंदिर इस ताजमहल से ही पुराना है। तो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। और ताजमहल के बाद अब हम जा रहे हैं प्राचीन मंदिर शिवालय। हो सकता है ताजमहल से भी पुराना हो, वहां जाने के बाद ही पता चलेगा हमें। और मेरे साथ मेरे दोस्त वगैरह जा रहे हैं। देखिए, हम सभी मंदिर के दर्शन करेंगे और वहां देखते हैं उसको कि उसमें क्या रहस्य छुपा हुआ है, क्या कुछ है। आजकल कुछ बातें चल रही हैं कि यहाँ पर 22 कमरे हैं तहखाने के नीचे, ताजमहल के नीचे यहाँ मंदिर है। और मुझे तो ये बिल्कुल असंभव लगता है कि इसमें 22 कमरे हैं। मुझे इसको देखते हुए लगता है कि इसमें कम से कम 200 कमरे होने चाहिए। नहीं, सही है। जिस तरीके से साइज, जिस तरीके से साइज है और जो तहखाना बना हुआ है ताजमहल के अंदर, अंदर हमें जाने नहीं दिया गया है। तो उस हिसाब से भाई हमें क्या, यहाँ तो पूरा इंसान का जाना ही वर्जित है। आपने देखा वहाँ ताला लगा हुआ है, सभी के लिए वर्जित किया हुआ है। ये क्यों किया गया है ये तो अपन कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। तो गाइज, अब हम देखते हैं यहाँ का प्राचीन मंदिर जो सामने की तरफ है, उसका गेट आ चुका है। आपने देखा होगा कि ताजमहल में हजारों लोग एक समय आए हुए हैं, करीबन 2000 से 3000 लोग एट ए टाइम वहाँ पर ताजमहल के घूमने के लिए आए हुए हैं, देखने के लिए उसको। लेकिन इस मंदिर पे आपको एक भी व्यक्ति आगे पीछे दिखी, हमारे अलावा कोई नहीं जा रहा इसमें। लेकिन हम आपको इसमें जाके और पूरी चीज दिखाएंगे। आप देखिए, मंदिर जाते समय हमें जो ताजमहल के गुंबद है बगल में, ये बुर्ज है। अब हम इसके पीछे का हिस्सा दिखा रहे हैं आपको। ये ताजमहल है पीछे का हिस्सा, और ये यमुना नदी है, घाट है, बिल्कुल बिल्कुल काली हुई है नदी। कितना पुराना मंदिर है सर? ये ताजमहल से पहले का, ताजमहल से भी पहले का। मैं आपको यहाँ के पंडित जी से एक बार मिलाता हूँ और उसके बाद पूरी डिटेल जानते हैं अपन। हाँ सर, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम गोपाल सिंह है। आप यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं? मैं यहीं रहता हूँ। अच्छा। और उसके अलावा ये है, महादेव का मंदिर कितना पुराना है? ये महादेव का मंदिर इस ताजमहल से ही पुराना है। अच्छा। इसका ताजमहल में संग्रहालय में 3 मंजिल का फोटो लगा हुआ है, तो वो उसको तोड़ने के बाद में, अच्छा, ये अभी तो ये है, कोई यहाँ ध्यान देने वाला नहीं है। मतलब मंदिर काफी पुराना है, मंदिर काफी पुराना है, मान्यता है इसकी। मतलब ये इस रास्ते से निकल जाते हैं। ये भी रास्ता जो बंद कर दिया था SSI ने, फिर यहाँ की जनता ने संघर्ष करा। अच्छा। उसके बाद में रास्ता टेढ़ा करके नहीं मंदिर वालों को दिया गया। अच्छा। चलो ठीक है, ताजमहल की दीवार देख सकते हैं आप, और आप इस तरफ देखिए, ये जो पुराने मंदिर है उसके कुछ अवशेष यहाँ पड़े हुए हैं। देखिए आपको
देखिए अवशेष हैं उसके। ये पिलर है देखो, तोड़े गए मंदिर के अवशेष हैं ये, आप देख सकते हैं। काफी हिस्ट्री है जो छुपाई गई है हमसे, मंदिर को तोड़ने के पूरे अवशेष पड़े हैं। अभी मंदिर में जो पुजारी जी से हमने बात की वो तो आपने सुन ही लिया। ये मंदिर का जो मैंने आपको पिलर का टुकड़ा दिखाया, ये बहुत सारे टुकड़ों में से केवल एक टुकड़ा हमें यहाँ मिला। देखिए इस तरफ ताजमहल की दीवार है और इस तरफ अवशेष हैं। लोगों के सामने सच्चाई है लेकिन ये सच्चाई लोगों को नज़र आती है या मानने को तैयार नहीं होते। दोस्तों आपने जो भी देखा ये कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना कि आपकी राय क्या है इस बारे में। दोस्तों अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं अभी रुकने वाला नहीं हूँ, ऐसे ही वीडियो आपके लिए हमेशा लाता रहूँगा। मिलता हूँ आपको जल्दी ही नए वीडियो में। जय हिंद जय भारत दोस्तों।